स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टेक्स्ट द नेक्स्ट चैप्टर द चैप्टर सेकेंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनल मांडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बिफोर यू रीड अपार्थिट मतलब रेशनल डिफरेंसेस इन साउथ अफ्रीका में एक रंग भेद की नीति थी जिसको हम अपार्थिट कहते हैं। इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, अपार्थिट एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक सिस्टम है, प्रक्रिया है ना, डैट सेपरेट्स मैंने अलग करता है, सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस, जो लोगों को जाति के आधार पर उसे अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड, क्या बता सकते हैं तीन कंट्री का नाम, बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली मैंने हाल अंटिल मैंने तक, अभी हाल तक ही ऐसे तीन देश थे जहां इस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम थी। फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सेकेंड में साउथ अफ्रीका और थर्ड में ऑस्ट्रेलिया, तीन जगह इस प्रकार की ये थी। हैव यू हियर्ड ऑफ नेशनल मांडेला, क्या आपने नेशनल मांडेला का नाम कभी सुना है, एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के पार्टी के बारे में नाम। स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग, स्पेंड में बिताया, स्पेंड का V2 है, ए लाइफ टाइम फाइटिंग, एक लंबी समय तक अपने जीवन भर है ना संघर्ष किया अगेंस्ट अपार्थिट, जिसने अपने पूरे जीवन भर तक उस अपार्थिट रंगभेद नीति के बारे में है ना संघर्ष किया। मांडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, मांडेला को हैड टू स्पेंड बिताना पड़ा था 30 या 30 साल इन प्रिजन मतलब जेल में। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, अंत में प्रजातांत्रिक इलेक्शंस मैंने निर्वाचन वेयर हेल्ड मैंने हुए इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और 1994 में साउथ अफ्रीका में जनरल डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक चुनाव हुए एंड मांडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन, उस न्यू नेशन नए राष्ट्र के नेशनल मांडेला जो थे है ना पहले काले राष्ट्राध्यक्ष बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में अंश में फ्रॉम हिज बायोग्राफी, जो उनके जीवन आत्मकथा से, ऑटोबायोग्राफी मतलब जीवन आत्म है ना कहानी से आत्मकथा से ली गई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबा संघर्ष से संघर्ष प्राप्ति के लिए है ना। मांडेला स्पीक्स अबाउट है ना हिस्टोरिक ओकेजन, मांडेला बोलते हैं एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में। द इनॉग्रेशन, वह उद्घाटन। कैन यू गेस, क्या आप गेस मतलब अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट द ओकेजन माइट बी, किस प्रकार का वो अवसर हो सकता है ना समारोह हो सकता है। चेक योर गेस विथ द न्यूज आइटम्स, अपना अनुमान को न्यूज में जो BBC न्यूज देता है ना न्यूज में 10 मई 1994 को, 10 मई 1994 को BBC का ब्रॉडकास्ट हुआ था उसमें ये सारा घटना बताई गई थी। मांडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मांडेला है ना बने साउथ अफ्रीका के प्रथम काले राष्ट्रपति। नेशनल मांडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेशनल मांडेला है ना बन गए हैं भारत के ना ये अफ्रीका के पहले काले राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी, लगभग 3 शताब्दी के तीस है ना ठीक है शताब्दी के बाद ऑफ व्हाइट रूल, लगभग है ना 300 वर्ष की व्हाइट रूल्स की सफेद लोग के है ना शासन के बाद इन्हें बने। मिस्टर मांडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ओन, मिस्टर मांडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी ओन विन का V2 जीती, 252 सीट, 400 सीट में 252 सीट जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहले डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक मैंने आम इलेक्शन चुनाव में ऑफ साउथ अफ्रीका के इतिहास, साउथ अफ्रीका के इतिहास में 400 सीट में 252 सीट जीती। द इनोग्रेशन, जो समारोह जो था, जो उद्घाटन था सेरेमनी, जो उद्घाटन सेरेमनी में समारोह टुक प्लेस मैंने हुआ इन द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग है ना एम्पी थिएटर में रंगमंच पर है ना
रंग एमपी है ना, यूनियन बिल्डिंग के रंग मंच पर इन प्रिटोरिया जगह का नाम है टुडे, मैंने आज आज भाषण दे रहे हैं आज है। अटेंडेंट बाय द पॉलिटिशियन, जो अटेंडेंस जो अटेंडेंट बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने और डिग्नेटरीज उच्च अधिकारियों ने भाग लिया फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, लगभग 140 देशों से अराउंड द वर्ल्ड में पूरी दुनिया से। और ठीक बात कंट्रीज नेवर नेवर कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं अगेन हुना विल दिस ब्यूटीफुल, किया आई गेस ब्यूटीफुल सुंदर लैंड धरती एक्सपीरियंस अनुभव करेगा द ऑपरेशन, माने वो सताने का ये ऑफ द ऑफ वन बाय अनदर, क्या ये कभी ये धरती एक के द्वारा दूसरे को सताने कभी इस अनुभव का है ना फिर कभी नहीं होगा। एसेड नासेना मंडेला नेशनल मंडेला इन नेशनल मंडेला ने अपने एड्रेस में अपने संबोधन में ये बात कहा, मतलब ये धरती कभी भी दूसरे को सताई नहीं जाएगी एक को दूसरे के द्वारा। जुबली एंड मतलब खुशी भरा सीन्स में दृश्य ऑन द स्ट्रीट्स स्ट्रीट्स ऑफ है ना प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के दृश्य सड़कों पर इस खुशी भरा दृश्य था फॉलोड बाय सेरेमनी विथ ब्लैक्स, जो वो सेरेमनी जो समारोह थे वो काले द्वारा मनाया जा रहा था, वाइट्स एंड जिसमें काले भी थे वाइट सफेद भी थे और कलर विभिन्न रंगों के लोग थे सेलिब्रेटिंग टुगेदर, साथ साथ वो उत्सव मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग एक लाख साउथ अफ्रीकन मैन पुरुष महिलाएं और चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस, सारी रेसेस में जातियों के प्रजातियों के सेंग मैंने गाते थे एंड डांस मैंने उसका नाचा किसी से खुशियों से उसने नाचा। ठीक है अब है यहाँ पर है एक्टिविटी इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द नेक्स्ट, मेक द गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशंस विद द एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम द कॉलम बी। पहला ए रेनबो गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड पोजिशंस, एक रेनबो है ना गैदरिंग एक रंग इंद्रधनुषी टाइप का रंग रंग बिरंगी ये जो थे कलर्स नेशंस इसको हम मिलाएंगे डी में। ठीक है ना, यानी कि ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन रेनबो, इस रंग बिरंगे लोग इकट्ठा हुए जैसे आकाश में है ना इंद्रधनुष के रंग होते हैं है ना। नंबर टू द सीट ऑफ वाइट सुप्रमेसी, द सीट ऑफ वाइट द सेंटर ऑफ रेसियल सुप्रीमेसी, रेसियल मतलब जातीय प्रजातीय सुप्रमेसी की थी है ना सुप्रियरिटी की। नंबर थ्री बी ओवरवेल्ड, बहुत अधिक ओवरवेल्ड मतलब अधिक प्रफुल्लित होना विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से, इतिहास की भावना से मतलब फील डीपली इमोशनल है ना। ठीक है हो गया ही, ऐसे ही रिजिलेंस दैट द डिफाइज, इसको ए से मिलाएंगे ए ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट, एक ऐसी है ना महान योग्यता लगभग अकल्पनीय है। फिर जाकर के एक ग्लीमर ऑफ ह्यूमिनिटी, ग्लीमर एक चमक ऑफ ह्यूमिनिटी मन मानवता की एक चमक जो है इसका मतलब है साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग गुडनेस, ऐसी मनुष्य की ये जहाँ अच्छाई हो दयालुता हो दया हो ये और जस्टिस है कि नहीं न्याय हो। लास्ट में है ट्वी लाइट एक्सिस्टेंस, एक अंधकारमय इसमें अस्तित्व है ना मतलब ए हाफ सीक्रेट लाइफ, ऐसा है ना जीवन लाइक ए लाइफ लाइव्ड इन द फेडिंग लाइट, जो लाइफ ऐसा जी रहा है कि जो अस्त है बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस के बीच में। देखते हैं टेंथ में डाउन, 10 मई की डाउन मैंने पाँव फटना में 10 मई के दिन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का जो दिन था जो बिल्कुल स्वच्छ है और चमकीला है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, लगभग पहले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसाइड बाय डिग्नेटरीज, मैं घिरा हुआ था है ना डिग्नेटरीज बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के द्वारा एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व प्रसिद्ध विश्व स्तरीय नेताओं से हु वी आर कमिंग टू पे, जो आ रहे थे टू पे दियर रेस्पेक्ट्स, अपना आना आदर सम्मान देने के लिए बिफोर द इनोग्रेशन, इस इनोग्रेशन मतलब इस उद्घाटन समारोह में देने के लिए। द इनोग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट, यस जो इनोग्रेशन जो जो उद्घाटन है वुड बी मैंने होगा द लार्जेस्ट सबसे बड़ा गैदरिंग मैंने लोग का इकट्ठा होना है ना एवर द है ना एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीका साइल, साइल मैंने धरती पर साउथ अफ्रीका की धरती पर ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का ये जमावड़ा होगा, गैदरिंग में जमावड़ा होगा। द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन, यस सेरेमनी जो है समारोह जो है टूक प्लेस मैंने हुआ इन द लवली मैंने सुंदर सैंड स्टोन में बालू पत्थर वाले एमपी थिएटर रंग मंच पर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इंक्लूडेड, जो बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग कहाँ प्रिटोरिया में फॉर डिकेट्स, जहाँ
जहां दसियों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ द व्हाइट, जो दसियों से दशकों से वो व्हाइट सुप्रीमेसी मतलब सफेद लोगों का क्या था है ना, ये सीट था, जगह था, स्थान होता था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ, अब यह साइट मैंने स्थान है रेनबो गैदरिंग, अब एक रंग बिरंगे है ना गैदरिंग का जमावड़ा का है, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, विभिन्न रंग के लोगों के लिए और राष्ट्रों के लिए, फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित करना, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट, साउथ अफ्रीका के प्रथम लोकतंत्र के लिए, नॉन रेसियल गवर्नमेंट, जो जो गवर्नमेंट थी, जो जो सरकारें, जो सरकार थी वह गैर प्रजातीय सरकार थी है ना, किसी खास लोग की सरकार वो नहीं थी, सारे लोगों की सरकार थी। ऑन दैट लवली ऑटम, उस सुंदर ऑटम पतझड़ में देखते में दे आई वाज एकोपाइट, मैं साथ एकोपाइट में साथ होना, एकोपाइट बाई मैं साथ होना, माय डॉटर जिनानी, उस दिन मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम मैंने पादपीठ जहाँ पैर का आदमी खड़ा होता है, मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट स्वर्न इन दिस क्लर्क, ने सबसे पहले स्वर्न में शपथ ली इन एज सेकेंड ड्यूटी पे, सेकेंड दूसरी है, सेकेंड मतलब अध्यक्ष के रूप में, मतलब उपाध्यक्ष के रूप में। देन देन थाबो मेवेकी वाज सोर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद से थाबो मेवेकी ने शपथ ग्रहण लिया फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। वेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा समय आया, जब मेरा मौका आया, तो मेरी जब टर्न मैंने बारी आई, आई प्लेज मैंने प्लेज मतलब मैं प्रतिज्ञा की तो ओबे मैंने पालन करने की, एंड अब फोल्ड द कंस्टिट्यूशन, और कंस्टिट्यूशन को निभाने के लिए संसद इस संविधान को है ना, एंड टू डिफोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को डिफोट के संकल्प करने के लिए है ना, टू वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, उस प्रजातंत्र के लिए ईमानदार होने के लिए, उनके प्रति संकल्प होने के लिए है ना, इट्स पीपल और उस लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एकत्रित हुए, असेंबल में एकत्रित हुए गेस्ट जो अतिथि जो थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और देखते हुए पूरी दुनिया के लिए, आई सेड मैंने कहा, टू डे ऑल ऑफ अस टू, आज हम लोग सारे लोग बाई आवर प्रेजेंस या जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, कॉन्फर ग्लोरी है ना, कॉन्फर प्रदान करते हैं ग्लोरी, खुशी, गौरव एंड होप, आशा करते हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नए जन्म हुए स्वतंत्रता के लिए। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण मानव विपत्ति के लिए, दैट इज सीटेड लॉन्ग टाइम, जो बहुत दिनों तक रहा, मस्ट बी बॉर्न ए वश ही, मस्ट बी वश ही बॉर्न, मैंने जन्म लेना चाहिए ए सोसाइटी, ऐसे समाज ऑफ ही जिसमें ऑल ह्यूमिटी विल बी प्राउड, जिसमें पूरे ह्यूमिनिटी यानी पूरी मानवता के लिए क्या होगा, वो गर्व की बात होगी, उसे गर्व करेगा, प्राउड। वी हु वेयर आउटलाज, जो हम लोग आउटलाज में बहिष्कृत थे बहुत दिनों तक नहीं, नॉट सो लॉन्ग अगो, हैव टूडे बीन गिवन द रेयर, आज हम लोगों को दिया गया रेयर में बिरले ही है ना प्रिविलेज टू बी हॉस्ट, शायद ही हम लोग को प्रिविलेज में अधिकार दिया गया टू बी हॉस्ट मेजबानी करने का, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड का, वर्ल्ड है ना, ऑन आवर ओन सोल पर, शायद ही हम लोग अपनी धरती के ऊपर आज मैंने विशेष अधिकार पाते ये उसको हॉस्ट करने का। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड, हम धन्यवाद करते हैं उन सारे है ना उन सारे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल गेस्ट को है ना, नेशनल गेस्ट को, अतिथि को, फॉर हैविंग कम टू टेक परेशन, जिन्होंने निभा आया है परेशन मन देखल अधिकार विद द पीपुल ऑफ कंट्री, हम लोगों के साथ अपने विचार को देने के लिए आया है। व्हाट इज आफ्टर ऑल, उसके बाद ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, उसके बाद एक कॉमन मैंने सामान्य विजय जो होता है न्याय का, फॉर पीस मैंने शांति के लिए, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय मर्यादा के लिए। वी हैव एटलीस्ट, हम लोगों के पास एटलास्ट मैंने अंत तक एक्यू ने प्राप्त कर लिया, हम लोगों ने प्राप्त किया है आवर पोलिटिकल इमेनाइजेशन, अपनी है ना अपनी जो है ये राजनीतिक पोलिटिकल राजनीतिक इमेनाइजेशन मुक्ति। वी प्लेज हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, प्लेज में प्रतिज्ञा करते हैं आवर से अपने आप टू लिबरेट स्वतंत्र करने के लिए ऑल आवर पीपुल, हमारे अपने सारे लोगों को फ्रॉम द है ना कंटिन्यूइंग बैंडेज ऑफ पॉवर्टी, जो लोग कंटिन्यूइंग लगातार है ना दरिद्रता से घिरे हुए थे है ना, डिप्रिवेशन अभाव से, सफरिंग मैंने कष्ट से, और जेंडर मतलब लिंग से, एंड अदर डिस्क्रिप्शन और दूसरी सारी भिन्नताओं से, भेदभाव से। नेवर नेवर कभी नहीं, एंड नेवर कभी नहीं अगेन पुनः सैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कभी यह सुंदर जो
धरती है विल अगेन पुनः एक्सपीरियंस अनुभव करेगा जो ऑपरेशन में सताने का ऑफ द वन बाय अदर। कभी भी यह धरती दोबारा एक दूसरे को सताने का कभी यह अनुभव नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन, यह सूरज कभी नहीं सूर्यास्त होगा। सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, है ना, ऑन इतनी गौरवशाली मानवीय जो उपलब्धि ना। तक लेट फ्रीडम बी रेन, रेन रेन मन शासन, आर ई आई रेन, लेट फ्रीडम स्वतंत्रता का शासन, लेट मन बना रहे कहने का मतलब है स्वतंत्रता का शासन कायम रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान है ना अफ्रीका को आशीर्वाद दे। ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ क्षण के बाद, लेटर मने के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम लोगों ने सारा अपना लिफ्टेड उठाया अपनी आंखों को, इन द अवे मने भय से, एज जैसे ही, एज स्पेक्टेकुलर मतलब कि दिखावापन, दिखावापन होना, कौतुकपूर्ण होना, आरे आरे मतलब सजावट ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स की सुंदर ना दिखावा रूपी जो सजावट की गई थी हेलीकॉप्टर्स की, एंड ट्रूप ट्रूप मैंने सैन्य दल को केस में ढोने वाले है ना रोड मैंने गर्जे, इन द परफेक्ट मन उचित है परिष्कृत फॉर्मेशन मतलब स्थान है ना संरचना में ओवर द यूनियन बिल्डिंग, ओवर करा उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर बहुत ढंग से सजाए गए है ना जो अफ्रीका साउथ अफ्रीका जेट्स थे हेलीकॉप्टर्स थे और सैन्य को ढोने वाले जो कैरियर थे उन्होंने आकाश के यूनियन बिल्डिंग के ऊपर है ना एक परिष्कृत क्षेत्र में क्या किया अपनी गजना की। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, यह न केवल एक डिस्प्ले था, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, न केवल प्रदर्शन था, केवल दिखावा था ऑफ द पिन पॉइंट प्रिसीजन, मने ठीक ठाक सूक्ष्मता प्रिसीजन में सूक्ष्मता या यथार्थता, एंड बिल्ड एंड मिलिट्री फोर्स, न केवल मिलिट्री फोर्स की शक्ति का और ये ठीक ठाक कोई है ना यथार्थता का प्रश्न नहीं था, बट ए डिमोन्स्ट्रेशन किंतु एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्री की सैनिक सैन्य है ना सेना की लॉयल्टी निष्ठा टू द डेमोक्रेसी उस प्रजातंत्र के प्रति। टू ए न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट जो थी, नई सरकार जो थी, डेट हैड बीन फ्रीली जो स्वतंत्र थी एंड फेयरली इलेक्टेड जो उचित ठीक ठाक से उचित फेयर मतलब ईमानदारी पूर्वक एकदम चुनी गई थी है ना। ओनली मूवमेंट फॉर कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो सबसे बड़े जो जनरल्स जनरल जो थे उच्च अधिकारी सेना के साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, डियर चेस्ट बेड डियर चेस्ट से उनकी जो छातियां थी है ना बीडेक्ड मैं सुसज्जित थी सजी हुई थी विद द रिबन्स रिबन्स से एंड मेडल्स मैंने मेडल से फ्रॉम डेज गोन बाई गत दिनों से छातियां सजी हुई थी। सैल्यूटेड मी उन्होंने मुझे सैल्यूट किया है ना एंड प्लेज और उसने वादा किया उसे प्रतिज्ञा ली डियर लॉयल्टी अपनी राजा के प्रति लॉयल्टीज। आई वॉज नॉट अंडर माइंडफुल मैं इतना अधिक असावधान नहीं था ऑफ द फैक्ट उस तथ्यों के प्रति दैट नॉट सो मेनी ईयर बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड करा कुछ वर्ष पहले जो हम लोग को हैव सैल्यूट प्रणाम करते सैल्यूट करते बट आई बल्कि मुझे इस समय क्या करते वे अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली ए सेवरन, सेवरन मतलब एक बैच जो गाड़ी के आगे रहता है कंपनी का, ये फाइनली ए सेवरन ऑफ इम्पाला, इम्पाला का जो बैच था है ना इम्पाला गाड़ी का लाइन से लगा हुआ जेट्स लेफ्ट ए स्मोक छोड़ता है इम्पाला है ना ठीक है जेट्स जो है हवाई जहाज जो है वो उसका बैच था ग्रुप था वो छोड़ता है स्मोक ट्रेल, स्मोक की ट्रेल में लकीरें ऑफ द ब्लैक काले रंग की स्मोक की लकीरें धुआं की लकीरें काफी छोड़ता है और लाल रंग की हरे रंग की ब्लू रंग की एंड गोल्ड और सुनहरे रंग की ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के ऊपर है ना साउथ अफ्रीकन फ्लैग का। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड वह जो दिन था सिम्बोलाइज्ड प्रतीकात्मक था फॉर मी मेरे लिए बाय द प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम्स मैंने हमारा जहाँ नेशनल राष्ट्रीय गीत प्लेइंग मैंने बज रहा था के द्वारा एंड द विजन और द विजन जो झांकी थी विजन झांकी ऑफ द वाइट सिंगिंग और वाइट सिंगिंग झांकी जी थी ना कोशिश की है ना आई एफ फरीका एंड ब्लैक सिंगिंग दोनों मैंने काले और गोरो के दोनों की जो झांकिया थी डाई स्टेम है ना द ओल्ड एंथम और रिपब्लिक जो पुरानी एंथम थी राष्ट्रगीत थी वो रिपब्लिक का प्रजातंत्र का है ना गणतंत्र का। ऑल दो यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू कोई ग्रुप नहीं जानता था कि कोई दल नहीं जानता था कि न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम है ना उस लिरिक उस एंथम को राष्ट्रगीत के लय को दे वंस
डिस्पाइज मतलब घिनते, वंस मैंने एक बार डिस्पाइज मैंने घृणा करते, वे कभी उसे घृणा करते, डिस्पाइज में घृणा करना। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हर्ट, अब वे लोग अपने हर्ट से हृदय से उसको कंठस्थ कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन के उद्घाटन समारोह के दिन, आई वाज ओवर, मैं अधिक ओवरवेल्ड, बहुत अधिक प्रफुल्लित था, विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की सेंस मैंने भावना से, समझ से। इन द फर्स्ट डिकेड, पहली दस साल में, डिकेड में, ऑफ द 12th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी के में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर, कुछ समय बाद, आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वाज, है ना, वाज बिफोर माई ओन बर्थ, है ना, द वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ द अफ्रीकन ट्राइब ऑफ द करास, वाइट जो गोरी चमड़ी के लोग थे, वाइट स्किन पीपल, गोरी चमड़ी के लोग थे साउथ अफ्रीका के, पाइड अप दियर डिफेंसेज, अपने डिफेंसिव भिन्नता को खत्म कर दिया था, है ना, पीपल, है ना, डिफरेंसेज, एंड इरेक्टेड, और सृजन किया था ये सिस्टम, ऐसी प्रक्रिया का, सिस्टम का, ऐसी, है ना, ऑफ रेशियल डिमिनेशन का, जो प्रजातीय प्रभुत्वता होती है, है ना, प्रभुता की, प्रभुता की, प्रभुत्व की, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ दियर ओन लैंड, अपनी धरती, ऑफ दियर ओन लैंड, अपनी धरती के जो काय लोग के प्रति उन्होंने जो अलग से एक सिस्टम की प्रणाली का अंत किया था, उसका अंत हो चुका था। द स्ट्रक्चर, वह बनावट जिसे देख क्रिएट उन्होंने बनाया, फॉर्म, उसका फॉर्म क्या था, द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्डेस्ट, वह बहुत अधिक कठोरतम था, मोस्ट इनह्यूमन, बहुत अधिक इनह्यूमन था, अमानवीय था, सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार पूरे विश्व तक जानता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ, अंतिम दस साल में, ऑफ द 20th सेंचुरी, एंड माई ओन 80th, माई अठवां डिकेड एज ए मैन, यानी 80 साल की उम्र में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरवर्ड, वह सिस्टम जो था, वो जो पूरी प्रक्रिया थी, है ना, वो पूरा ओवरटर्न हो चुका था, फॉरवर्ड हमेशा के लिए वो बदल चुका था, एंड रिप्लेस्ड, और स्थापित की गई थी बाई वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल, जिसमें सारे लोगों की फ्रीडम्स को, उनके अधिकार को और स्वतंत्रता को पहचान किया गया था, रिगार्डलेस ऑफ कलर दियर स्किन, रिगार्डलेस मैंने बिना प्रवाह किए हुए, बिना ध्यान दिए हुए, उनकी किसी जाति की, चमड़े के रंग का ध्यान दिए बिना ही, सबके लिए ऐसे ही अधिकार और स्वतंत्रता की बात की गई थी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनमेजिबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स, वह दिन हैड कम, आया था थ्रू मन के द्वारा, द अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सेक्रीफाइस, बहुत सारे बलिदान, ऑफ थाउजेंड्स माई पीपुल, बहुत सारे मेरे लोगों को, हजारों मेरे लोगों के बलिदान के बाद आया था, पीपुल हुज सफरिंग, पीपुल, लोग जिनकी सफरिंग, जिनका कष्ट एंड करेज कैन, जिनका कष्ट और हिम्मत कैन नेवर बी काउंटेड, कभी गिनी नहीं जा सकती है, और रिपीट मन पुनः उसको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने अनुभव किया वह दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, और मैनी अगर दूसरे दिनों में, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं एक सिंपली साधारण रूप से एक योग था, सम मन योग था, और ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सारे अफ्रीकन देशभक्तों के प्रति, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले गुजर चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबेल लाइन इंडेड, वह लंबी और रासना श्रेष्ठ लाइन खत्म हुआ, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और मेरे साथ भी वो शुरू हुआ। आई वॉज पेंड, मैं बहुत दुखित था, आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं बहुत दुखित हूँ कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सका उन्होंने, एंड दे वी आर नॉट एबल टू सी, और वे लोग मेरे देखने के लिए नहीं है, वाट दियर सेक्रीफाइस हैज रॉट, और उनकी सेक्रीफाइस बलिदान कितना राट, मैंने बलिदान के रंग लाया, वर का भी टू है राट। द पॉलिसी ऑफ अपार्थिड, अपार्थिड की जो पॉलिसी थी, राजनीति जो थी, नीति जो थी, क्रिएटेड ए डीप, पैदा किया डीप मैंने गहरा एंड लास्टिंग कुंड, और नहीं खत्म होने वाला, इन माई कंट्री में पैदा किया था, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों के प्रति। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोगों ने बहुत सारे वर्ष, है ना, बिताएं, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ठीक है ना, आ रहे हैं सर, बट द डिकेट्स ऑफ द ऑपरेशन, किंतु वो दसियों साल जो ऑपरेशन के काल थे जो, एंड ब्रूटिलिटी और कठोरता के, एंड हैड अनदर, है ना, अनइंटेंडेड इफेक्ट, और कुछ बच गया, आधा मैंने पढ़ाया है, आई टॉट यू टू टूडे हाफ द चैप्टर, आई विल टीच द रेस्ट चैप्टर एंड अदर डे, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।